हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल svlstudy.com में मैं मार्सला डुंगरू आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हमारा पाठ 13 है। इसके पहले हम लोगों ने पाठ 12 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने सभ्यता और शिष्टाचार की छोटे छोटे वाक्य पढ़े थे और सीखे थे। दोस्तों, आज हम छोटे छोटे अनुरोध वाले वाक्य सीखेंगे और उसे दोहराएंगे और अभ्यास करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम अपने छोटे छोटे अनुरोध वाले वाक्य को तमिल में सीखते हैं। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया प्रतीक्षा करें, तो उसे तमिल में कहेंगे देव उसे दु सच्चु पोरुंगल। क्या कहेंगे? देव उसे दु सच्चु पोरुंगल। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं कृपया अंदर आ जाए, कृपया अंदर आ जाए, तो उसे तमिल में कहते हैं दैवसीदु उल्ले वारुंगल। क्या कहते हैं? दैवसीदु उल्ले वारुंगल। दोस्तों, यदि हम कहते हैं तशरीफ रखे या कृपया बैठे, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु अमरुंगल या दैवसीदु उटकारुंगल। दोस्तों, दोबारा से मैं कह रही हूँ, दैवसीदु अमरुंगल या दैवसीदु उटकारुंगल। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया हस्ताक्षर करें, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु ओप मीनुंगल। क्या कहेंगे? दैवसीदु ओप मीनुंगल। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया शांत रहे, तो हम उसे तमिल में कहेंगे दैवसीदु अमेदियांग इरुंगल। क्या कहेंगे? दैवसीदु अमेदियांग इरुंगल। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया फिर पधारे, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु मीन्डुम वरुंगल। क्या कहेंगे? दैवसीदु मीन्डुम वरुंगल। दोस्तों, हम हिंदी में कहते हैं कृपया फिर से कहिए, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु तिरुम्बुम सुल्लुंगल, दैवसीदु तिरुम्बुम सुल्लुंगल। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया क्षमा करें या माफ़ करें, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु मणि युंगल। क्या कहेंगे? दैवसीदु मणि युंगल। दोस्तों, यदि हम हिंदी में कहते हैं कृपया ध्यान दे, तो उसे हम तमिल में कहेंगे दैवसीदु कवन मांग केलुंगल। क्या कहेंगे? दैवसीदु कवन मांग केलुंगल। दोस्तों, हिंदी में यदि हम कहते हैं एक बार फिर या पुनश्च, तो उसे हम तमिल में कहेंगे मीन्डुम ओरे मुरई, मीन्डुम ओरे मुरई। दोस्तों, यदि हिंदी में बोले थोड़ा और, तो उसे हम तमिल में बोलेंगे इन्नुम कुंजम। क्या कहेंगे? इन्नुम कुंजम। दोस्तों, जब कभी हम यात्रा करते हैं, या तो बस से हो, ट्रेन से हो, या एयरप्लेन से हो, यात्रीगण का ध्यान आकर्षित करने या उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए उनसे कहा जाता है सभी यात्री ध्यान दे, तो हिंदी में सभी यात्री ध्यान दे, उसको तमिल में कहेंगे पायणिंगल केटबोम। क्या कहेंगे? पायणिंगल केटबोम। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं थोड़ा और, उसी को हम तमिल में कहेंगे इन्नुम कुंजम। क्या कहेंगे? इन्नुम कुंजम। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं सभी यात्री ध्यान दे, उसे हम तमिल में कहेंगे पायणिंगल केटक बूम। क्या कहेंगे? पायणिंगल केटक बूम। दोस्तों, जब कभी हम यात्रा कर रहे होते हैं, तो उस वाहन के जो भी कर्मचारी होते हैं, वो पूछते हैं कृपया पास दिखाए। ये हिंदी में हम कहते हैं कृपया पास दिखाए। दोस्तों, इसे हम तमिल में कहेंगे देवसीदु पासे काटिंगल। क्या करेंगे? देव उसे दू पासे काटेंगे। दोस्तों,
हिंदी में हम कहते हैं कृपया सावधान रहें या सावधानी बरतें। इसी को हम तमिल में कहेंगे तया वसेदु जाकिर दयांग इरुंगल। क्या कहेंगे, दोबारा मैं बोल देती हूँ, दया वसुदे जाकिर दयांग इरुंगल। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं जरा सुनिए, वही हम तमिल में कहेंगे इदे केलुंगल। दोबारा से मैं बता रही हूँ, इदे केलुंगल। दोस्तों, हम हिंदी में कहते हैं कृपया थोड़ा आराम कर ले, इसे तमिल में कहेंगे सट्टु ओयबु एडुतु कोलंगल। क्या कहेंगे, सट्टु ओयबु एडुतु कोलंगल। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं क्या आप इससे सहमत हैं, क्या आपके हिसाब से यह ठीक है। दोस्तों, उसे तमिल में हम कहेंगे उंगलों को इद्दु समंदा। बारा में कह रही हूँ उंगलों को इद्दु समंदा, या फिर कहेंगे इद्दु सरियनरु पड़ुगिर्दा, इद्दु सरियनरु पड़ुगिर्दा। दोस्तों, हिंदी में हम कहते हैं कृपया क्षमा करें, उसे हम तमिल में कहेंगे दया वसेदु मणियुगल, दया वसेदु मणियुगल। दोस्तों, आज का ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ में हम लोगों ने जो पढ़ा है उसे आप अभ्यास कीजिए। फिर अगले वीडियो में हम मिलते हैं अगली कड़ी के साथ, अगले पाठ के साथ। दोस्तों, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वे तमिल सीख सकें। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, हम आपके कमेंट की उम्मीद करते हैं ताकि हमको पता चल सके कि हम इस वीडियो में क्या कमी लेकर आए हैं। फिर हम अगले वीडियो में उसे रेक्टिफाई करेंगे और अच्छी वीडियो निकालेंगे। दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, अगले पाठ के साथ, अगले विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।